लास्ट टाइम आपका कुछ बिहेवियर सब थोड़ा सही नहीं लगा था, तो सोचे कि मेरे यहाँ जाना वहाँ सही नहीं रहेगा। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मौसम सुबह जैसा मौसम था ना वैसा ही अभी भी मौसम है, एकदम सुबह के जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकला। और आप देख रहे होंगे मैं इस ड्रेस में क्यों घूम रही हूँ जब ठंड है। तो मुझे वीडियो शूट करना था, वीडियो भी बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम के लिए, कोलैब के लिए सारे ड्रेस आते हैं और मुझे वीडियो शूट करके देना होता है। तो जिस दिन क्रेयांस टाइम पे सो जाता है, थोड़ी सी भी रहती है कि धूप है, धूप कहते हैं, थोड़ा सा भी शाम होने से पहले सो जाता है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ दिन में इंस्टाग्राम का। अगर नहीं सोता है तो उस दिन मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। ठंड भी बहुत ज्यादा है, आलस तो मुझे भी आता है कि आलस की नहीं आज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा आज कैसे भी मुझे काम करना है। जिन्होंने मुझे भेजे हैं कपड़े उनका कहना है कि ठंड दीदी ज्यादा दिन नहीं रहता है, अगर आप जल्दी से काम करोगे तो फिर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। सही बात है, ठंड कुछ दिनों में चला जाएगा और ये ठंड के कपड़े हैं तो बहुत जरूरी है कि उनको जल्दी से काम करके मैं दे दूँ। तो आज फाइनली मैंने वीडियो शूट कर लिया, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि क्रियांश जल्दी से सो जाए शाम होने से पहले, ताकि मैं वीडियो शूट कर लिया करूं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेस विंटर का है और सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप इसमें हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और फेसबुक पे भी मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी वीडियोस हमारे रहते हैं, डेली मैं लाइव आती हूँ फेसबुक पे रात के 10 बजे से पहले जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी क्रियांश बहुत छोटा है तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ। होता है ना कि थोड़ा देर कोई पकड़ लिया तो फटक से मैं लाइव आ जाती हूँ आधे घंटे के लिए। तो वहाँ पे हमारे 950 के हो चुके हैं, तो 1 मिलियन होने वाला है फटक से। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए और हमारा 1 मिलियन का फैमिली कम्प्लीट करा दीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं पे 1 मिलियन तो हो गया ना। तो चलते हैं नीचे। A few moments later. हाँ देख सकते हैं हीटर चला के क्या चल रहा है। बस अभी अपना काम खत्म हुआ है, व्लॉग देख रहे हैं किसी का। अच्छा ठीक है चलो, तो बाकी अब काम पर लगते हैं, जल्दी से इन सबको बंद करते हैं। तुम भी आ गई है। चलो चलो जल्दी चलो। 2 hours later. यहाँ पे हम लोग हीटर जला करके बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा ठंड है और माँ के कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। इस बार है कि माँ थोड़ा चल उल पा रही है, तो पिछली बार जो दर्द हुआ था ना, माँ उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, और इस बार थोड़ा सा राहत है नहीं माँ, थोड़ा सा है कि मतलब चल पा रही है, हाँ झुक नहीं पा रही है, झुकने में भी दर्द हो रहा है माँ को। और क्रियांश जो है बहुत बदमाशी, बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, सिर्फ दौड़ाते रहता है। क्रियांश तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, 4 दिन से धूप निकला ही नहीं है, सूर्य देवता तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कल धूप होता है कि नहीं। और पतिदेव गए हैं आज यहाँ पास वाले मार्केट में, बोले आज कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो माँ लोगों के लिए मोमोज लेने गए हैं और देखते हैं हम लोगों के लिए क्या लेके आते हैं, तो उन्हीं का इंतजार हो रहा है। और क्रियांश जो है दादी को परेशान करते हुए, क्रियांश देखो इधर आओ ना, यहाँ पे क्रियांश अपना सटका हुआ बॉल लेकर के, हवा निकला हुआ बॉल लेकर के आ रहा है। अब गया आ गन्नू से बात करेंगे, गन्नू से बात करेगा गन्नू से। 20 minutes later. तो यहाँ पे क्रियांश की अब होगी मालिश, और ये जो कपड़ा खोल ही नहीं देता, बटन खोल दे, बटन 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 खोलते हैं तो इसका हंसी आ रही है। थोड़ी इसका कपड़ा थोड़ी है, थोड़ी है कपड़ा थोड़ी है, मालिश होगा मालिश। सुकू पहलवान का देखिए दिखने में कितना मोटा लगता है जैकेट में, ये देखिए एकदम सुखी पहलवान है, सुखी पहलवान इसको खड़ा की सुखी पहलवान भाग लाए भाग लाए। अब चल सुखी पहलवान को देखिए ना, सुखू जाए ये कम होता हो करे, तू पापा को शौकी रहेगा, मेरा बेटा गुल्लू गुल्लू छा हो जाए, मालिश होगा अभी तगड़ी वाली मालिश होगी फिर छोएगा। क्या खाना नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है ना खाना, सब कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है और कितना गंदा बच्चा है, सिर्फ मम्मा जानती है। तो फाइनली क्रियांश का मालिश हो गया, हो गया मालिश। क्रियांश इतनी आसानी से मालिश नहीं कराता है, क्रियांश बाय कर दो, बाय बोल दो, बाय गुड नाइट, गुड नाइट बोल दीजिए, गुड नाइट आप सभी को, मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर में, बोलो ना बाय। टीवी देख
रहा है और ऐसे ही हम लोग मालिश करते हैं इसको, टीवी चला के ये पकड़ते हैं फिर मैं मालिश करती हूँ। वैसे ये मालिश कराता ही नहीं है, अब बिना मालिश का सोएगा भी नहीं, इसका अलग अलग ही है कि आज मालिश के बिना सोना भी नहीं और मालिश भी नहीं कराना है। The next day. वीडियो बोल दो हम चुपा चुपा उठ गए हैं दो बार आज चार बजे जगा था सारी वजह से। ए ज्ञान जी बोलो बोलो कुछ, बाबा वाले मफलर लगा के कान में आवाज ना लगे तो ये कुछ भी नहीं लगाता है कैप वगैरह, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा, इस वजह से ये बाबा का मफलर पहना हुआ है। एमा ये तो खोल ही नहीं पाएगा बेचारा, अब क्या था लेगा अब नींद आ रही है आपके पोते को। कन्हैया बेटा कन्हैया बेटा बहुत मारा है आपका पोता हमको, पेट में दर्द उठा दिया इतना जोर से मारा है आपको कन्हैया बेटा। One hour later. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:30 और मौसम जो है जस का तस बना हुआ है, मौसम में कोई सुधार नहीं है। और सुन रहे हैं कि आगे जो है 3-4 दिन कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा, सूर्य देवता भी नजर नहीं आएंगे, तो कुछ ऐसा ही मौसम है। और आज जो है क्रियांश थोड़ा सा सवेरे उठ गया, क्रियांश जबकि उठा करता है करीब 9:30 बजे करीब उठता है वो, और आज जो है वह सुबह 5 बजे उठ गया था और सोया भी था लेट 12 बजे। आज पता नहीं भाई साहब किस मूड में थे, कौन से जोश में थे, तो आज वह उठ गए और 1-2 घंटा खेला और फिर सो गया। तो हम लोगों को जो है समय मिल जाता था, जैसे 9 बजे उठता था तो उसके बाद होता क्या था कि वह सो जाता था, फिर नहा के खा के 1-2 बजे सो जाता था, और उस समय हम लोगों को 2 घंटा मौका मिल जाता था वीडियो सब शूट करने का। लेकिन क्योंकि आज थोड़ा पहले सो गया है वह, अब वह उठ जाएगा निश्चित, मुझे लग रहा है कि 12 बजे के करीब तो जरूर उठ जाएगा। उसके बाद आज जो है कोई भी किसी तरह का कोई भी जिया का कोलैबोरेशन भी शूट नहीं हो पाएगा। ये पहले से बोल रहे हैं तुम आज कुछ नहीं वीडियो शूट कर पाऊंगी, लेकिन जी मालूम है आपको, मैं ये बता दूं कि अभी मैं बहुत सारा काम कर लूंगी, अभी वो सोया है, काम करने का समय है, तो सारे कपड़े सब जो 2-3 दिन के रखे हुए हैं वो सब ठीक। चलो अच्छा है, अल्टरनेट ऐसे होगा, एक दिन काम करो एक दिन वीडियो शूट करो। सही है, पतिदेव इधर काम कर रहे थे और मैं भी इधर अपना सारा जो है सारे कपड़े को फोल्ड कर रही थी और रूम को मैं ठीक करना चाह रही थी, और तभी क्रियांश आ गया उठ के। ये देखिए क्रियांश को, सीधा बैट ले ले आया था रूम से, और मुझे आज ये सभी कुछ ठीक करना था, देख रहे मैं सब कुछ ठीक करने वाली थी, और ये लड़का तुरंत उठ के आ गया। तू मम्मा मना की थी ना उठने के लिए, बोली थोड़ा देर और छो जाता, थोड़ा देर और छो जाता बोलो। Two hours later. तो अभी बज रहे हैं जी दिन के 12 और क्रियांश को देख सकते हैं बना हुआ है मफलर मैन है। उसे अब यह जो है सेल्फी कैमरा में जो है देख लिया अपना मफलर, तो शायद अब खोलने की भी कोशिश करे। ऐसा करते हैं जल्दी से जो है मोबाइल को इसकी नजर से हटा लेते हैं, अभी तक तो मूड नहीं है मफलर पर, वरना जैसे ही अपना आईना में देखता है टोपी देखे कुछ भी देखे तुरंत खोल लेता है। हो गया सोया हुआ, क्रियांश का सोया हुआ हो गया है, और आज उम्मीद लग रहा है कि अभी क्रियांश जो है शाम में 6 बजे सो जाएगा, फिर रात में उठ जाएगा और जगराता होगा, फिर से अब इसका जो है कुछ रूटीन सेट करने में जो है 2-3 दिन लग जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो क्रियांश जो है अपने काम पर लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ सब कुछ लगभग बिखेर ही दिया था, और अब हर चीज को जो है समेटा जा रहा है। कितनी बार बोले हैं कि उस रैक पर कुछ मत रखो, क्योंकि ये आएगा तो यही हाल होगा। ठीक है, इस रूम में सामान रखेंगे नहीं तो अंदर रखो, ड्रॉ में रखो, ड्रॉ में रखो, और कहाँ रखा जाएगा, ड्रॉ में बहुत जगह है, जगह बनाना होता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रिंग लाइट जला हुआ है, यह जो है क्रियांश का ही है करामत। और ये क्या ले रहा है, तो मम्मी का ब्रश ले लिया ना, ब्रश दे दो मम्मी को, मम्मी को ब्रश दे दो, ब्रश लगाएगा क्रियांश, ऐसे ही तुम्हारे गालों में ब्रश है। हे क्रियांश, बस 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 अब क्या करना है, ड्रॉ को लॉक किए हुए हैं ऊपर का दो को, बस नीचे के में नहीं दिया हुआ है लॉक, तो इसीलिए नहीं हुआ है लॉक, और क्रियांश से जो है लगभग सब कुछ संभाल करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे माँ 3 दिन बाद आ जाइए पूजा रूम पूजा करने के लिए, माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था नहीं माँ, गुरु की तरह कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया पहले जैसा, बैठने में भी दिक्कत है अभी भी, वर्तमान में 40% या 60% रखो ठीक है अभी, लेकिन मन नहीं मान, 60% मतलब अभी है, लेकिन मन नहीं मानता है, इसलिए बाल बच्चे या संपूर्ण समाज और सबके लिए दया की भीख मांगने मंदिर में आज पहुंच गई है, उसी साथ अपने लिए भी ठीक हो ही जाएगा, तो जरूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि खाना पीना उठना किसी न किसी तरह तो हो ही जाता है, जो मेरा असली काम है उसमें हमको नहीं हो पाता है, खाना का किसी तरह कष्ट भोग के हम ऊपर चले आए, अब इनकी दया है कि कल हमसे पूजा लेते हैं, लेंगे लेंगे, किसी नहीं सोच रहे होंगे कौन करेगी आज पूजा करेगी, नहीं तो इतना ही।
महेश्वर से हमारी प्रार्थना है, संसार के सभी अच्छे लोगों को भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। प्रियांश बार बार नीचे जाता है और ऊपर आता है। मुझे भगवान की कृपा पर बहुत भरोसा है। हाँ। कि निगेटिव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सज्जन लोगों के साथ वो कभी निगेटिव नहीं करते, तो मैंने किसी के बारे में आज तक निगेटिव सोचा भी नहीं। तो करेंगे कहाँ से। अगर कोई गलती भी हुई होगी तो बोलने चालने में जो मानवीय भूल करके प्रभु जरूर क्षमा करते। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। अपना भी ठीक ही है। क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो गया है, नहीं आ रहा है क्या? देखिए, गुस्सा होने वाला बात नहीं है, कुछ सब बात था। लास्ट टाइम आपका कुछ बिहेवियर सब थोड़ा सही नहीं लगा था, तो सोचे कि मेरे आज जाना वहाँ सही नहीं रहेगा। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गया है ये? कुछ सा बात है, क्या कहे, बस समझ जाइए कि कुछ दिक्कत था। आपको आसपास से तो कुछ मालूम चला ही होगा। जी जी, वो सब बात है, पुरानी बात को छोड़िए, बाबू का बर्थडे है। बाबू का बर्थडे है तो बाबू को ढेर आशीर्वाद हम लोग के तरफ से। जी जी। हाँ हाँ, कभी मिलेंगे तो बाबू को आशीर्वाद देंगे। इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा जाने में। अच्छा, कोई दिक्कत हो जाएगा? अरे सीरियसली क्या? हम भी सोचिए थोड़ा बहुत, हम भी प्रैंक करें, कभी किए नहीं है। अच्छा अच्छा, प्रैंक कर रहे हैं। और ऊपर से आप हमारा देख लिए होंगे वीडियो, उसका टाइटल वाइटल सब। हाँ, वही वीडियो भी देखिए, सब कोई हंस रहे, बहुत क्या दिक्कत हो गया, पूरा वीडियो हम देखे नहीं है, समझ नहीं आया। अच्छा, वीडियो के लास्ट में ट्विस्ट है, आपको मालूम चल जाता है कि क्या जवाब है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बढ़िया, कोई नहीं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, हम लोग 20 तारीख को निकलेंगे यहाँ से। हम लोग का तो पहली बात हो गया था पूजा से। अच्छा, पूजा से पहली बात हो गया था, पूजा पहले ही कॉल की थी। वाह वाह, चलो बढ़िया है, ठीक है रुद्र भाई, तो आते हैं जरूर। प्रैंक करना सीख गए हैं आप भी, लेकिन हम नहीं भी सीख लिए थोड़ा बहुत, यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो देखे, प्रैंक आज तक हम किए नहीं थे, सोचे हम भी कर लेते हैं। सबसे पहले रुद्र भाई भाई रुद्र भाई जो है सोच लिए क्या कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं ये सब चीज, तो प्रैंक लगता है सक्सेसफुल हो गया। बड़े आए।